फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? मैं प्रशांत आज आपको घुमाने वाला हूँ हुमायूं टॉम्ब, जो दिल्ली का बहुत ही फेमस टूरिज्म स्पॉट है। आप अगर दिल्ली आते हैं तो इसको आप अपने प्रायोरिटी लिस्ट में, जहाँ पे आप घूमने वाले हैं दिल्ली में, उसमें आप ज़रूर शामिल करें। और आपको बिल्कुल एक स्पेक्टाकुलर व्यू आ रहा होगा पीछे, जैसा कि देख ही रहे हैं आप। तो आपको ये आके यहाँ पे इतना अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप ताजमहल देख रहे हैं। जबकि ये ताजमहल इसके 80 सालों के बाद बनाया गया है, लेकिन उसमें इसी का स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है। और अभी मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ और बारिश भी देखिए हो रही है यहाँ, और थोड़ा मैं गीला भी हो रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। मैं एक चीज़ बता दूँ दोस्तों कि इस हुमायूं टॉम्ब का जो लोकेशन है वो हजरत निजामुद्दीन एरिया है, यह दिल्ली का। यहाँ पर आने के लिए आप हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन या फिर प्रगति मैदान से भी उतर के ऑटो पकड़ के आ सकते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट है यहाँ आने के लिए। वैसे तो आप टैक्सी और दूसरे कैब से भी आ सकते हैं। दोस्तों, हुमायूं टॉम्ब को उनके बेटे अकबर के द्वारा बनवाया गया था 1560 में, 1560 ईस्वी में। और ये जब बन के तैयार हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि 150 नंबर ऑफ मुगल फैमिली मेम्बर्स आर बरीड हियर, जो यहाँ पे दफनाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ग्लोरियस और हिस्टोरिकल पार्ट है ये मुगल एम्पायर्स के लिए। तो बाबर वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट विथ मुगल एम्पायरशिप। तो उनके बाद, बाबर के बाद हुमायूं आए, हुमायूं के बेटे अकबर हुए। तो ऐसे मुगल एम्पायर आगे बढ़ता रहा। और आइए मैं आपको घुमाता हूँ और बाकी चीज़ें और भी नज़दीक से दिखाऊंगा और भी चीज़ें मैं बताता जाऊंगा। तो आइए चलते हैं। हम लोग ऑटो से पहुँच गए हुमायूं टॉम्ब। यहाँ आप टिकट्स ले सकते हैं, चाहे तो ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। ये अंदर चलें, ये है एंट्री पॉइंट। एक बार यहाँ पे मैप देख लें। यहाँ से हम लोग अंदर आ गए। हम लोग अंदर आ रहे हैं अभी, और ये देखिए कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं। ये मुझे लग रहा है लगभग 5 फीट चौड़ी मोटी दीवार है ये। ऐसे ही चारों ओर से घेराबंदी किया गया है और ग्रीनरी भरपूर है, क्योंकि लॉन्स हैं हर तरफ। ये सामने से दरवाज़ा है बड़ा सा, यहाँ से भी हम लोग अंदर एंटर कर रहे हैं। ये था अबू हलीमा गेटवे। यहाँ से आगे बढ़ते हुए और काफ़ी अच्छा बगीचा बना हुआ है दोनों ही साइड में इस रास्ते के। आगे जाकर हुमायूं टॉम्ब, अक्सर वाला टॉम्ब, अरब सराय, बार्बर्स टॉम्ब। अब हम लोग वेस्ट गेट से अंदर एंटर होते हुए मेन गेट से अंदर घुसते ही ये देखिए एक टाइनी स्ट्रक्चर रखा हुआ है पूरे कॉम्प्लेक्स का। और बिल्कुल हमें ऐसा ही दिखेगा हुमायूं टॉम्ब जब हम आगे जाएंगे तो, लेकिन काफ़ी बड़ा होगा वो। 56 एकड़ का लैंड भी तो है। वेस्ट गेट से एंटर होते ही कुछ अवशेष मिले हमें पुराने टाइम के, और साथ ही कुछ बुक्स भी रखे हुए हैं। और यहाँ से हमें देखिए ये टॉम्ब दिख रहा है। वाओ, लवली, कितना लवली व्यू आ रहा है यहाँ से। और बिल्कुल जो मैंने आपको बताया था, ताजमहल का प्रोटोटाइप है ये, और इसके 80 ईयर्स के बाद ताजमहल को बनाया गया। लगभग इसी का स्ट्रक्चर फॉलो किया गया था वहाँ। हुमायूं टॉम्ब, हमीदा बानू बेगम, इन्होंने बनवाया था, जो वाइफ थी हुमायूं की। और इट्स रियली स्पेक्टाकुलर, वाओ, रियली लवली लवली। अभी हम लोग उसके पास चलेंगे, लेकिन आप इसके साथ साथ ये लॉन्स देखिए, ग्रीन लॉन्स, कितने सारे पेड़ पौधे हैं।
बादलों की गड़गड़ाहट और तेज हवाएं भी चल रही हैं। इस मकबरे के चारों ओर चार गेट हैं। एक मैं आपको वेस्ट गेट से लेकर आया था, एक गेट वहाँ सामने दिख रहा है और पेड़ों में छुपा हुआ है, और एक देखेंगे तो उस साइड है और एक इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में पीछे की ओर। बारिश थोड़ी सी तेज हो गई है, मैं थोड़ी देर वेट करूंगा फिर आपको ले चलूंगा उस मकबरे के बिल्कुल नज़दीक। वैसे तो बारिश में भीगना थोड़ा रिस्की होता है, बट दिल्ली में गर्मी है तो थोड़ा सा तो भीग ही सकते हैं। बारिश अब तेज हो गई है और लोग इससे बचने के लिए अंदर भाग रहे हैं तेजी से। आ गए बिल्कुल इस टॉम के पास, और ये देखिए यहाँ पे कितने सारे मकबरे हैं। जो मैंने बताया था आपको कि 150 मुगल फैमिली मेंबर्स थे, ये उनके मकबरे हैं। वैसे तो गिनना काफ़ी कठिन है क्योंकि जहाँ देखें वहाँ पे मकबरे ही हैं। आइए अंदर ले चलता हूँ आपको। और यह मुग़ल आर्किटेक्चर पे बेस्ड है ये मॉन्यूमेंट। ये देखिए मुगल आर्किटेक्चर का उत्कृष्ट नमूना। देखिए ऊपर पैरट भी, उसकी आवाज भी आ रही है। अरे सामने की ओर वेस्ट गेट, जिधर से हम लोग आए हैं वेस्ट गेट, ये वही है। देखिए कितने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं घूमने के लिए। और ये छत पर देखिए विशेष कलाकृति है, बेजोड़ नमूना है मुगल आर्किटेक्चर का। और ये देखिए मेन मकबरा जो हुमायूं का है, और इस मकबरे से इस टॉम की हाइट लगभग 40-50 फीट के आसपास होगी। टॉम के सेंट्रल एरिया से अगर हम आसपास के कुछ और भी गुप्त कमरे की ओर देखें तो यहाँ पे भी देखिए काफ़ी आपको मकबरे मिलेंगे। यहाँ पे बरिड किए गए थे मुग़ल एम्परर हुमायूं के मुग़ल फैमिली मेंबर्स। वैसे बहुत सारे और भी हैं, जैसे मैंने 150 बताया था आपको। मैं अभी आपको दूसरे साइड कुछ और कमरे में ले चलता हूँ। तो यहाँ भी आपको यही मकबरे दिखेंगे। इस टॉम के चारों ओर लगभग 40-50 फीट ऐसी ही चौड़ी जगह है जहाँ टूरिस्ट घूमते हैं, एंजॉय करते हैं और सीनिक पिक्चर व्यू कैप्चर करते हैं अपने कैमरे में। और इस टॉम्ब के साथ बहुत सारे नए और पुराने फिल्मों की शूटिंग की गई है, उनके गाने भी शूट हुए हैं। और जब भी कोई हाई डिग्निटरीज दूसरे कंट्रीज के हमारे कंट्री विजिट करते हैं तो उनको यह जगह जरूर दिखाया जाता है। और ये जो लॉन देख रहे हैं आप, ऐसा लॉन इस मकबरे के चारों ओर है इस टॉम्ब के। और कहा जाता है कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे कुछ फार्मर्स यहाँ पे खेती भी करने लगे थे, बाद में इसको कवर किया गया और इसको सिक्योर किया गया। यहाँ भी धूप भी निकल चुकी है और बारिश भी हो रही है साथ साथ, तो बड़ा अजूबा सा वेदर है अभी इस समय का। दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो पूरा एरिया है इस टॉम्ब का, ये है लगभग 56 एकड़स, जो पहले कभी 26 एकड़ का था। और इस लैंड को सिक्योर करने के पहले इस टॉम्ब का जो एरिया था वो 26 एकड़ का था, और सिक्योर करने के बाद ये 56 एकड़ का हो गया, तो जस्ट डबल हो गया। ये हम लोग जिस साइड से आए थे वहाँ आपको देखिए ये चार बाग दिख रहे हैं, 4 lawns, 1, 2, 3, 4, और इसीलिए इसको चार बाग कहा जाता है। इस टॉम्ब के साथ जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है इसके साथ मिनिमल इंटरवेंशन किया गया है इसकी मेंटेनेंस के लिए, कि जब भी कोई तोड़ फोड़ होता है तो वहाँ नॉर्मली जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो वैसा ही यूज़ करते हैं जो ट्रेडिशनल हो,
कंक्रीट को तो बिल्कुल ही हटा दिया गया है सो दैट की ओरिजिनलिटी बनी रहे, और इसलिए हमें आज भी ये बिल्कुल चमकता हुआ वैसे ही ट्रेडिशनल वे में दिख रहा है यह मॉन्यूमेंट। अभी अभी जो मैंने आपको ऊपर से चार बाग दिखाया था, ये वही चार बाग है। यहाँ से तो दिख नहीं रहा है कि नज़दीक आ गए हैं काफ़ी हम लोग, तो यही वह चार बाग है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मुगल शासन के दूसरे शासक हुमायूं टॉम देखकर आपने एंजॉय किया होगा। घूमने के बाद मुझे अब थोड़ी भूख लग रही है, तो मैं चल रहा हूँ अब करीम्स रेस्टोरेंट और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है खाने के लिए। हुमायूं टॉम घूमने के बाद मुझे थोड़ी भूख लग गई थी, तो मैं पहुँच गया हूँ निजामुद्दीन के दरगाह में, और वहाँ पे है करीम रेस्टोरेंट, काफ़ी फेमस है। और करीम रेस्टोरेंट चेन की शुरुआत भी यहीं से हुई, तो अभी मैंने फूड भी ऑर्डर कर दिया है। मेरा खाना भी आ चुका है, दो रुमाली और दो तंदूरी रोटी। अच्छा ओके, चिकन जहांगीरी, चिकन बर्रा हरी चटनी के साथ, लुक्स टेम्पटिंग, और ये लच्छा अनियन, वाओ गुड कॉम्बिनेशन। दोस्तों लंच कर लिया मैंने, पेट बिल्कुल भर चुका है, और अब मैं चल रहा हूँ घर की ओर। एंड आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। So thank you very much. I see you in the next video. Bye bye.